ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। Hey everyone, let's begin with the question. The question states that if NO2 gas is bubbled through water at 293 kelvins, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry law constant for N2 at 293 kelvin is 76.48 K-bar. तो हम क्वेश्चन अपन की क्या गया है कि जो आप N2 गैस की बबल कराई थ्रू वाटर, उनका टेम्परेचर कितना सी वाटर का 293 केल्विन थे। ओके, तो क्वेश्चन अपन पूछा कि गया कि कितने मिलीमोल्स ऑफ जेडे N2 गैस दे डिसॉल्व होंगे किंदे विच 1 लीटर ऑफ वाटर विच। तो आप अज्यूम की कीता है कि जेडा N2 है उनका पार्शियल प्रेशर कितना है 0.987 बार। अपन को हैनरी लॉ कॉन्सटेंट गिवन है N2 ले एट 293 केल्विन से कितना गिवन है हैनरी लॉ कॉन्सटेंट अपन 76.48 के बार। ओके, हम अपन सोल्यूशन की गल करते हैं। पहला तो अपन पता है कि जो एक्वा सोल्यूशन होंगे उनके विच की है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस का मतलब की होया, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस का मतलब की होया मोल फ्रैक्शन। ओके, तो हम अपन गिवन की है अपन PN2 गिवन है, PN2 अपन की ना गिवन है 0.987 बार। PN2 क्यों है पार्शियल प्रेशर किंदा N2 दा, तो अपने को ले 0.987 बार ओके गिवन है। और अपने को ले की गिवन है अपन KH गिवन है, KH की है हेनरी लॉ कांस्टेंट है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है अपन की ना गिवन है 76.48 के बार। हुण इहनू की आपां बार विच चेंज करांगे, जो अपन बार विच चेंज करांगे तो इहदी वैल्यू अपने कोल की आएगी 76.480 बार। ओके, हुण अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अगर आपां अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ अपने कोल इक्वेशन की आंदी है PN2 which is equal to KH into XN2। ठीक है, अच्छा X अपने कोल किया मोल फ्रैक्शन। ओके, पी है अपने कोल पार्शियल प्रेशर एंड KH की अपने कोल हेनरी लॉ कांस्टेंट। ओके, तो अपन कड्डन नु की क्या है इन्होंने अपने कोल वैल्यूज गिवन है। ओके, ता टू किंदे इक्वल आ जाएगा PN2 डिवाइडेड बाय KH। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे 0.987 76.480 इन सोल्व करके की है अपने को वैल्यू कि आ जाएगी, इतने अपने को XN2 की वैल्यू आ जाएगी 1.29 × 10⁻⁵। ओके, ये अपने को की है मोल फ्रैक्शन आ गई N2 की। ठीक है, हुण आपां की है हुण आपां इधर कढ़ांगे कि वाटर दा मोल्स, तां मोल्स ऑफ वाटर की हुंदा किसी भी चीज़ मोल्स आपां कियां फाइंड करदे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास किन्ना अपन 1 लीटर उहनूं आपां की है 1000 ग्राम्स लिख सकते हैं, दैट इज डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तां हुण वाटर दा मोलिकुलर मास अपने कोल किन्ना हुंदा H2O 2 × 1 + 16 = 18। ओके, तो इन सोल्व करके अपने को मोल्स ऑफ वाटर कि आ जाएंगे 55.5 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट की है हम आप मोल फ्रैक्शन कटेंगे N2
x n2 which is equal to n n2 the either n n2 plus n h2o. ओके हम जो दो पति के वैल्यूज पुट करेंगे ताकि मेरे को की वैल्यूज आ जानी है एन एन टू एन एन टू प्लस वाटर के मोल्स अपने कुल कितने आ गए थे 55.5. ओके तो हम आपको पता है कि जेड़ा एन है मोल्स है एन टू दे इनू की अपा मिली मोल्स कढ़ना है अगर मिली मोल्स कढ़ना है तो एक ये बहुत ज्यादा छोटा होगा एन एच टू ओ तो की होगा एन एच टू ये बहुत ज्यादा छोटा होगा एन दे तो या फिर आप कह सकते हैं एन दे तो. ओके तो एन एच टू ओ तो जो एन एन टू है एक ये बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तो करके आप मान लें कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होंगे कि एन टू फाइव 55.5. ओके तो अपने को वैल्यूज आ जाती है तो हम की है एक्स एन टू की वैल्यू अपने को हैगी है एक्स एन टू की वैल्यू अपने को कि 1.29 इंटू 10^-5 विच इज इक्वल टू एन एन टू डिवाइडेड बाय 55.5. तो हम जो अपन की है सोल्व करांगे इन सोल्व करके अपने को वैल्यू कि आ जाएगी एन एन टू दी एनू सोल्व करके अपने को एन टू मोलीक्यूल्स कि आ जाएंगे 7.16 इंटू 10^-4. हम इन मिलीमोल्स कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 तो अपने को वैल्यूज कि आ जाएंगी 0.716. ओके मिली. थैंक यू.